उलमा कराम यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले नाज़रीन, इस सेगमेंट पर बढ़ने से पहले, गुज़िश्ता रोज़ जब इफ्तार के वक्त हम बात कर रहे थे और उस वक्त सवाल एक छोटा सा ये उठा था कि बच्चों के अंदर बड़ा खुशू खुजू होता है, बड़ा उनकी ख्वाहिश होती है नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, और फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्रों तक पहुँच जाते हैं, फिर हम गंदे बच्चे बन जाते हैं। गंदे बच्चे यानी कि हम अल्लाह से भी दूर हो जाते हैं, हम नमाज रोज़े से भी दूर हो जाते हैं, हम उन तमाम अखलाकियात से भी दूर हो जाते हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी भलाई के लिए ही हमें हुक्म फरमाया है। तो आज हम एक इस टॉपिक को लेकर चलेंगे फ़हीम, और साथ साथ अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे शायद भरोसा और तवक्कुल। हम ज़बान से तो कहते हैं, बात तो करते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, लेकिन शायद वो तवक्कुल और वो भरोसा वो ऐसा दिखता नहीं है। इसी वजह से फिर हम दूसरे के दरवाजे बंद कर जाते हैं और दूसरे से ये उम्मीद रखते हैं कि शायद वो हमारे लिए कुछ। बिल्कुल, वो तवक्कल जबानी होता है, बात हम उसी पे करेंगे। जाते जाते अल्लामा साहब ने जो है वो उनके मुंह से ये बात निकली थी कि कल इस पे हमने बात करनी है, तो हमने इसे टॉपिक बनाया और इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूंगा और मुफ्ती साहब से इस पर मैं रहनुमाई भी चाहूँगा कि मुझे करेक्ट कीजिएगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से एक वाकया मंसूब किया। आपको तालीम की गर्ज़ से आपकी वालदा ने पढ़ने के लिए भेजा, तो आपके साथ कुछ रकम भी भेज दी और साथ साथ तालीम ये फरमाया कि कभी झूठ नहीं बोलना है आपने। अब जब ये काफ़िला बढ़ा तो यहाँ पर डाकुओं का हमला होता है, डाकू आ गए, उन्होंने जो है वो लूटमार शुरू कर दी। और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो पहुँचे तो आपसे दरियाफ्त किया कि कुछ है, तो उन्होंने बताया जी 10 धरम है या 10 दिनार ऐसा कुछ है, और वो मेरी वो कमीज में जो है वो सी दिए हैं मेरी वालदा ने। डाकू हैरान हुए, बोलने लगे आप मना कर देते, हमें तो पता भी नहीं चलता। तो कहा मेरी वालदा ने मुझसे कहा था कि कभी झूठ नहीं बोलना। और इस बात से डाकुओं पर इतना असर हुआ कि वो सबका माल और असबाब दे के वापस चले गए। तो यानी इससे हमें जो बात एक समझ में आ रही है या जो हम नसीहत ले सकते हैं, आप लोग रहनुमाई फरमाइएगा, वो ये कि जब बच्चे बच्चे होते हैं तभी उन्हें अगर बता दिया जाए कि बड़े होके गंदे बच्चे कैसे बन जाते हैं आप, तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी। हमारे साथ आज मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब भी मौजूद हैं, अलामा अमीन शहीदी साहब भी मौजूद हैं, प्रोफेसर यूनुस साहब भी मौजूद हैं और मौलाना वली मुजफ्फर खान साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मौजू है और आपने अच्छी मिसालें भी दी हैं। असल में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी उम्र मानने की होती है, मानने की होती है, उसे जो मनवाओ वो मान लेता है और जिस राह पर डालो वो उस राह पर पड़ जाता है। तजस्सुस होता है, एक एक चीज़ को नोट करता है। आप कभी गौर फरमाइए, अगर आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों और 2 साल का बच्चा हो, उसे क्या समझ है? लेकिन वो भी मुसल्ला लेकर आपके बराबर में खड़ा होगा। बिल्कुल। आप झुकेंगे तो वो भी झुकेगा। बिल्कुल। आप सजदे में जाएंगे तो वो भी जाएगा। आप एक और तजर्बा कर लीजिए, सिगरेट पी लीजिए और उसके बाद फिर बच्चे का अंदाज़ देखिए, वो सिगरेट का टुकड़ा कहीं मिलेगा वो अपने मुंह में डाल के आपकी नकल करेगा, वो कैच कर रहा है। तो हम बच्चे को अच्छा बनाते हैं, हम बच्चे को बुरा बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हर बच्चा नेकी पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, अच्छाई की इस्तेदाद लेकर रब के यहाँ से आता है। और जब वो अच्छा होता है फिर गंदा क्यों हो जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसके माँ बाप उसे बुरी राह पर डाल देते हैं। अल्लाह। उसे यहूदियत की राह पर डालें तो यहूदी बन जाते हैं, उसे नसरानियत की राह पर डालें तो नसरानी बन जाते हैं, मजूसी बनाए तो मजूसी बन जाते हैं। होता ही है, हर बच्चा खैर व फलाह और अल्लाह के यहाँ नेकी की इस्तेदाद लेकर आता है, लेकिन बाद में जब वो बुरा होता है तो उसकी वजह ये होती है कि माँ बाप की तरबियत की कमी और फिर घर से बाहर जो लोग हैं उनकी बुरी दोस्तियाँ, ये जो सोबत है इसका बड़ा असर होता है, मनफी भी असर होता है और मुस्बत असर भी होता है। बुरे की सोबत में बैठेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे और अच्छे की सोबत में बैठेंगे अच्छे हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे की सोबत की मिसाल दी। फरमाया बुरी की सोबत ये है कि आप जाएं भट्टी वाले के पास और वहाँ जाकर बैठ जाएं, तो फरमाया या तो ये होगा कि वहाँ से कोई चिंगारी उड़ेगी आपका कपड़ा जला देगी, और नहीं तो उतनी देर तक आपको बदबू भी आएगी, आपको गर्मी भी महसूस होगी। और अगर नेक आदमी की सोबत की मिसाल ऐसे है
कि जैसे आप इत्र फरोश के पास चले जाएं, अत्तार के पास चले जाएं, इत्र लगा लें तो सुभान अल्लाह, नबी लगाएं उतनी देर तक आपका दिमाग तो खुशबू से बसा रहेगा, बसा रहेगा। और वो एक हदीस आती है, अल ऐन हक़ुन, नज़र हक है। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, असाज़े फरमाते हैं, भाई ये जो नज़र हक है, अच्छी नज़र भी हक है, बुरी नज़र भी हक है। बुरी नज़र भी हक है और अच्छी नज़र भी हक है। बुरी नज़र से आदमी बीमार हो जाता है, मर जाता है, और खूबसूरत है तो उसकी खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाता है, ऊँट को कड़ाई में उतार देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, और नज़र नेक भी हक है, अच्छे की नज़र पड़ गई तो बेरा पार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबे किराम पर नज़र पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबे किराम पर नज़र पड़ी, साहबे किराम का बेड़ा पार हो गया। इस्लाम मज़लूम था, इस्लाम मग़लूब था, ज़ईफ़ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को खुदा से मांगा, और हज़रत उमर को मांगा और ऐसा मुकद्दर जागा कि उसके बाद इस्लाम गालिब आ गया, फिर इस्लाम कभी कमज़ोर नहीं हुआ। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी का आपने वाक़िया बयान किया, इसका ताल्लुक इससे है कि माँ बाप अच्छी तरबियत करें तो बच्चा उस अच्छाई की डिगर पर चल जाता है। जैसे आपने कहा, वो आपने वाक़िया तो बयान कर दिया, उसमें हमने ये पढ़ा है कि 40 अशरफियाँ थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो रकम के साथ। और अशरफी कितनी होती है मालूम है आपको? अशरफी जो है 4.5 ग्राम सोने की होती है। ओ हो, 4.5 ग्राम सोना, 40 अशरफियाँ। 40 अशरफियों को 4.5 से आप ज़र्ब दे दीजिए, एक बड़ा सरमाया था उस ज़माने के तलबा के लिए। किचन नहीं होते थे, तलबा के लिए हॉस्टल के इंतज़ाम नहीं होते थे, तलबा जाते थे पढ़ते थे अपने खर्च पर, असाज़ फ्री में उन्हें पढ़ा दिया करते थे। तो जब सैयदना गौसे आज़म चले तो माँ ने यही कहा था, और 40 अशरफियाँ उनकी सदरी में सी दी थी, और डाकू से ये कहा, तो डाकू ने कहा अजीब बेवकूफ़, ये हमसे मजाक कर रहा है। बिल्कुल। जब सरदार को पता चला, सरदार ने कहा कुछ बाकी, कह लेके सब हो गया, एक बच्चा है उसने परेशान कर दिया है। वो कहता है मेरी सदरी में 80 दीनार, 40 दीनार, अब बताइए सदरी को कौन खोले। कह लेंगे अच्छा बुलाओ। जब बुलाया तो कह लेंगे मियाँ साहबजादे तुम्हारे पास क्या है? फरमाने लगे मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तलाशी ली जाए। तो सदरी उतरवाई गई, उसे फाड़ा गया, तो उसमें से पूरे 40 दीनार निकले, अशरफियाँ निकली। दीनार अशरफी एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो डाकू का सरदार बहुत हैरान हो गया, उसने कहा कि अजब बात है, अब क्या करने जा रहे हो? कहा मैं दीन पढ़ने जा रहा हूँ। कहा ये तो सरमाया था आपका, आप लुटा बैठे। आपने फरमाया लुट जाए कोई बात नहीं, मेरी माँ ने एक ही मुझे वसीयत तो की थी, फरमाया बेटे कभी सच्चाई का दामन मत छोड़ना, सुभान अल्लाह, बेटे कभी झूठ ना बोलना। तो क्या 40 अशरफियों की खातिर अपनी माँ से किए हुए अहद को तोड़ देता? ऐसा असर पड़ा कि डाकुओं के सरदार ने कहा इस बच्चे को देखो यार, ये बच्चा कहता है माँ से किए हुए अहद को कैसे तोड़ूं, और हम अपने रब से किए हुए अहद को रोजाना तोड़ते हैं। आगे आओ, आगे आओ, मैं तुम्हारे हाथ पर तौबा करता हूँ। उन्होंने कहा तू अगर कज़ाकी और डाकी और बुराई में तू हमारा सरदार है, तो फिर तौबा में भी तू हमारा सरदार है। ये बच्चा भी आलिम नहीं बना, तालिबिलम नहीं बना, माँ ने ऐसी हिदायत की कि उसकी तासीर से काया पलट गई और सारे डाकू नेक सारे बन गए। ये माँ की तरबियत। और मौलाना साहब, जो आपने बात की ना, जब हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम जाविये में लेकर आऊँ, अगर हम पाकिस्तानी होने की हद तक बात करते हैं, तो नाज़रीन गिरामी हमारा हाल ये है कि ना हम अपनी ज़बान बोलना पसंद करते हैं, ना हम अपना जो हमारा कल्चर है उसको अडॉप्ट करना पसंद करते हैं, ना हम अपने मज़हब पे रहना पसंद करते हैं, ना हम जिस तरह से चलने की हमारी शरीयत है, हमारे तरीक़त है, हमारी तरबियत है, उस पर रहना पसंद करते हैं। और फिर जब हम पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि हम अपने कल्चर की, अपने मज़हब की, अपने शरीयत की, अपने तरीक़त की ख़ुद से इज़्ज़त नहीं करते, और इसी वजह से हम अपने बच्चों में भी मुंतकिल नहीं करते। एक बड़ा प्यारा सवाल इमरान भाई लेकर आए, और क्योंकि अलामा साहब आपकी ख्वाहिश पर आज हमने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया है, तो ये इसी से रिलेटेड है। आप सवाल भी ले लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, सवाल कीजिए इमरान भाई। फहीम भाई, पहले तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, और तमाम उलमा को मेरी तरफ से सलाम।
और मेरा ये एक सवाल है कि बच्चों के नाम के बारे में जी जी अमीन शहीदी साहब से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि नाम कैसा रखा जाए बच्चों के नाम। कुछ दिन पहले हम इस पर गुफ्तगु भी कर रहे थे, बड़ी तवील हो गई थी वो, और उसी पे जो है वो आप लामा साहब इसके साथ जोड़ दीजिएगा इस सवाल। सबसे पहले इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ बिल्कुल एक जुमले में। देखिए कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हस्ती को अशरफुल अनबिया और इमामुल अनबिया की हैसियत से मुंतखब किया वो नबी करीम की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम की ज़ात ने अल्लाह की रजा से जिन नामों का इंतखाब अपनी औलाद के लिए किया है उससे बेहतर नाम कायनात में और हो ही नहीं सकते, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। बेशक बेशक जो उन इंतखाब उनका है वही हमारा होना चाहिए। बेशक जहाँ तक मौजू है उस मौजू के हवाले से थोड़ी सी तमहीदी मैं गुफ्तगू करूँ पहले कि अल्लाह तबारक व तआला की जो मखलूक है ना इनकी तीन किस्में हैं। एक वो है जिसको आप फरिश्ते कहते हैं, दूसरा वो है जिसको आप कीड़े मकोड़े हैवानात कहते हैं। दोनों की ख़ास खसूसियात हैं, फरिश्तों से गुनाह नहीं होता, फरिश्तों से नाफरमानी नहीं होती, इसलिए कि उनके अंदर शहवत नहीं है और हैवानात के अंदर अकल नहीं है, इसलिए इन पर कोई गुनाह भी नहीं है। अल्लाह ने इन दो मखलूक़ात के दरमियान इंसान को पैदा किया है, इस इंसान में कुछ उधर से है और कुछ इधर से है, अब इसकी मर्जी है कि वो उधर वाला बने या इधर वाला बने। ठीक, लिहाजा अब इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्ते की सिफात भी अता की, हैवानी सिफात भी अता की, इंतखाब का हक भी दिया और पहचान के लिए अक्ल भी दी, ये दोनों चीज़ें दे दी। और उसके बाद फरमाया कि इन्ना हदेना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, रास्ता अब तुम्हारे सामने है, ऊपर जाना चाहो तो ये रास्ता है, नीचे जाना चाहो तो ये रास्ता है। ये एक बात। दूसरी बात जो हदीस अभी मौलाना ने फरमाई, ज़ाहिर है तमाम आलम इस्लाम में मुत्तफ़िकुन अलैह हदीस है ये, खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, ये जो इंसान है इंसान फितरत खुदावंदी पर पैदा किया गया है। फितरत खुदावंदी क्या है? पाकीज़गी। लिहाजा जब आप एक बच्चे से भी, बच्चे को छोड़ दें इस वक्त, आप माशरे के बदतरीन इंसान से पूछें कि क्या जुल्म अच्छा है या बुरा, वो कभी भी नहीं कहेगा जुल्म अच्छा है, जबकि वो खुद जुल्म कर रहा होगा। बिल्कुल। झूठे से पूछें झूठ अच्छा है या बुरा, वो कहेगा झूठ अच्छा नहीं है, अच्छा है कैसे, अच्छा है बुरा है। ठीक है, जो कातिल है उससे अगर आप पूछें कत्ल नाहक बुरा है या अच्छा, तो वो कभी भी पसंद नहीं करेगा, कहेगा कत्ल नाहक बुरा है, अगरचे उसने खुद किया होगा। इसका मतलब है उसकी वो अंदर की फितरत है, वो फितरत फितरत सलीम अगर है तो वो उसको हमेशा हक की तरफ रहनुमाई करती है और उसको बताती है। अब ये जो बच्चा पैदा होता है, आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी कल कि वो इतने अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे भी होते हैं, मन के सच्चे भी होते हैं, अब वही बच्चे बाद में क्यों तब्दील होते हैं? कई अवामिल हैं, कुछ अवामिल की तरफ मौलाना ने भी इशारा फरमाया। सबसे पहला आमिल यह है कि जिस शिकम में जिस कोख में बच्चा परवरिश पाता है वो पाकीज़ा है, सबसे पहला, और वहां की पाकीजगी का ताल्लुक ताम से सबसे पहले है, सबसे पहले ताम से है, और उसके बाद फिर आपकी इन्वायरमेंट से है। अमेरिकन्स ने एक तहकीक की थी काफ़ी अर्से पहले, मैंने उनके एक रिसर्च जर्नल में पढ़ी, उन्होंने 80 हामिला माओं का इंतखाब किया जिनकी बच्चों की पैदाइश का वक्त जो है तकरीबन एक सता का था, यानी मसलन जनवरी के फर्ज करें आखिरी हफ्ते के आखिरी 3 दिन फर्ज करें। उन्होंने 40 माओं को एक तरफ रखा और 40 को दूसरी तरफ, दरमियान में शीशे की दीवार बना दी। ये जो 40 माएँ इधर थी इनको जब भूख लगती थी तो वो मौसीकी लगा देते थे, उधर वाली माओं को उन्होंने मौसीकी नहीं लगाई, जब भूख लगती थी खाना खिला देते थे। इस तरह से होते होते ये अरसा गुजरा और जब बच्चे दुनिया में आए तो अब उन्होंने ये जो मौसीकी सुनाई गई माएँ थीं इनके, जब बच्चे भूखे होते थे तो बजाय इसके कि उन बच्चों को दूध पिलाएं उनको वो वही मौसीकी सुना देते थे, वो सारे बच्चे चुप हो जाते थे, भूख लगी है, भूख की वजह से रो रहे हैं, लेकिन मौसीकी सुनी खामोश हो गए। यही मौसीकी उधर उन बच्चों को सुनाई जिनकी माओं को उन्होंने खाना खिलाया था, वो खामोश नहीं हुए, वो रोते रहे।
नतीजा उन्होंने निकाला कि जब बच्चा माँ के पेट में तरबियत पा रहा होता है, नशोनुमा पा रहा होता है, उस वक्त भी वो अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से असर ले रहा होता है, सिर्फ माँ के पेट के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से, बाहर की दुनिया से। लिहाजा मैं ऐसे हाफिजान कुरान को जानता हूँ जिनकी माएँ हमेशा बावजू रहती थी और हमेशा तहारत के आलम में जब भी काम करती, चलती, फिरती, उठती, बैठती तो वो कुरान की ऊंची आवाज से तिलावत करती थी। जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इसकी मिसाल है कि उनकी वालिदा मौजूदा पढ़ा करती थी कुरान पाक। मैं मुआसर बात कर रहा हूँ, जाहिर है ऐसे बुजुर्गों की तारीख इस्लाम में कमी नहीं है। मैं आज के मुआसर की बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनकी माओं की रविश ये थी, जब बच्चे दुनिया में आए सिर्फ 2.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज बन गए। माशाल्लाह। क्यों? उस इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से उन बच्चों ने असर लिया। यहाँ कुरान सीखते थे जी, वहां मौसीकी सुनते थे, यहाँ पर कुरान। इसका मतलब यह है कि असल और बुनियादी चीज़ आपकी तरबियत है। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा कहकर अनबिया की बेसत का जो हदफ अल्लाह ने बयान किया है वो सबसे पहला मरहला क्या है? युज़क्कीहिम, तहारत। उस बच्चे की रूह ताहिर है, उसको आलूदा ना होने दें। अगर आप उसको आलूदा होने देंगे तो जैसे जैसे आलूदगी बढ़ेगी वैसे वैसे तहारत में कमी आती चली जाएगी, और उम्र चूंकि आगे जा रही है इसलिए जैसे जैसे आलूदगी बढ़ेगी वैसे वैसे हैवानियत बढ़ेगी, जैसे जैसे तहारत इंसानियत बढ़ेगी। लिहाजा उस बच्चे के अंदर जो सिफात आपने पैदा करने हैं उन सिफात पर गौर करें कि आपने आया उसमें हैवानी सिफात का इजाफा करना है या इंसानी सिफात का इजाफा करना है। अगर आपने हैवानी सिफात का इजाफा किया तो फिर आपको आपका बच्चा एक कातिल की सूरत में मिलेगा, चोर की सूरत में मिलेगा, डाकू की सूरत में मिलेगा, लेकिन चूंकि हैवानी है। और फिर ये भी जहन में रखें, मानवी तौर पर भी, मानवी हवाले से, बातिनी हवाले से, हम बाज़ औक़ात जब जज़ा और सज़ा का तसव्वुर पेश करते हैं कुरान की रोशनी में तो हम ये कहते हैं कि जन्नत भी तैयार है, जहन्नम भी तैयार है, और इंसान नेकी करेगा तो जन्नत में, बुराई करेगा तो जहन्नम में। इसकी एक और तफसीर भी है और वो तफसीर ज़्यादा दिल को भी लगती है और अक़ल के मुताबिक भी है। कुरान करीम ने कहा कि फ़मय्यामल मिसक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहू। यरहू का क्या मतलब है? आंख से उस अमल को देखेगा। यरहू का ताल्लुक रा आंख से है। फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरहू व मन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरहू। शर को भी वो अपनी आंख से देखेगा जो उसने किया है, और खैर को भी वो अपनी आंख से देखेगा जो उसने किया है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहज़रा। इंसान जो कुछ करेगा उस किए हुए अमल को देखेगा। अब यहाँ पर हम और आप जब कोई अमल अंजाम देते हैं तो ये अमल अंजाम पाने के बाद हमारी निगाहों के सामने ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन ये एनर्जी है। एनर्जी को मादे में तब्दील करने को साइंस ने साबित किया है। इसका मतलब यह है कि उस दुनिया में हमारी यही एनर्जी जो फेल की सूरत है इसको अल्लाह मादे में तब्दील करके हमारे सामने ले आएगा। अल्लाह, बड़ी खूबसूरत। वकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने बता दिया कि एनर्जी जो है वहां पर कन्वर्ट होगी। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, फहीम साहब, मैं वकील बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। जी 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 वकील साहब, ये जो शादी होती है सर मियां बीवी की, मतलब लड़की और लड़के की शादी, बेहतर अगर इजाजत से कर दी जाए, किसकी इजाजत? लड़की की इजाजत ना दी जाए, मतलब माँ बाप, लड़की की इजाजत नहीं दी गई है और शादी हो गई है। सही। अब शादी की और औलाद की हो गई है, अगर उसके बाद वो लड़की लड़के को पसंद नहीं करती अपने शोहर को, तो क्या वो तलाक ले सकती है? लड़की भी कोई गुनाह तो नहीं? इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता? चलें जी, इस पर जो है वो जवाब खान साहब आपकी जाने बातें हैं। सवाल को लेकर, लड़की की शादी हो गई है लेकिन उसको अपने शोहर पसंद नहीं आ रहे हैं, तो उसकी इजाजत नहीं ली गई शादी के वक्त, उसकी इजाजत नहीं ली गई है और अब औलाद हो गई है, तो क्या वो तलाक ले सकती है इस बिना पर कि उससे इजाजत नहीं ली गई थी? बिल्कुल ले सकती है, ले सकती है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस तरह के वाकयात हुए कि खातून आई और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी जो है मेरे निकाह करा दिए फलां के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो हम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बस मुझे ये मालूम करना था कि क्या हम ये निकाह तोड़वा सकते हैं। और ये आपको बता दूं कि तलाक का इख्तियार जैसे मर्द के पास है, शरीयत में ये तलाक का इख्तियार खातून के पास भी है। वहाँ उसको खुला कहा गया है और यहाँ उसको तलाक कहा गया है। इसलिए मैं आज आपके तवस्सुत से
अपने तमाम भाइयों को कहूँगा कि कभी भी आज के इस ज़माने में बग़ैर इजाज़त बग़ैर मालूमात अच्छी तरह दोनों तरफ़ेन से जो है ना इत्मीनान तस्दीक कर ली जाए, इत्मीनान हो जाए, फिर उनके जो है ना उनको बयाह आ जाए। ये तरीका जो पुराने ज़माने में होता था कि बेटी को दे दिया उसको पता भी नहीं है, बेटे की शादी कर दी उसको पता भी नहीं है, ये तरीका अब नहीं चलेगा। लेकिन मौलाना साहब, मैं उस बहन से एक छोटे से गुजारिश करना चाहूँगी जिसके लिए भी ये सवाल था कि अगर आप कह रही हैं कि औलाद भी है आपकी और फिर आप अपने शौहर से अलहदगी अख्तियार करना चाहती हैं, अगर कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ पसंद का मामला है, तो कोशिश कीजिए अल्लाह की रजा के लिए और ख़ास तौर पर अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए आप कोशिश कीजिए कि आपका घर बसा रहे। उसमें भी यही है कि वो औरत आई पूछने थी लेकिन उसने कहा नहीं तलाक नहीं चाहिए, सिर्फ दरियाफ्त करना था, उसकी बहन ने भी दरियाफ्त ही करना। जी जी, जो इसमें सोचने की बात है वो ये है, उस खातून के कहने का जो मुद्दा मैं समझाऊँ वो ये है कि उसने ये कहा कि उसके वालिदैन ने उसकी रजामंदी के बग़ैर उसका निकाह कर दिया। शादी में होता ये है कि लड़की से पूछा जाता है बिल्कुल कि क्या हम तुम्हारा फलां लड़के से निकाह कर दें, अगर वो लड़की नापसंद भी करे, किसी इस शख्स को पसंद न भी करे, तो भी वो माँ बाप की इज्जत की खातिर वो शर्मा हुजूरी में हाँ कर देती है। बिल्कुल, उमूमन हमारे यहाँ निकाह ऐसे ही होता है और ये भी निकाह शायद ऐसे ही हुआ होगा। अगर ऐसे ही हुआ है कि मौलाना साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए और लड़की से पूछा गया और साइन उससे कराए गए, हमारे तो जो फॉर्म है जी बिल्कुल उस पर तो साइन होते हैं, उस पर साइन ड्रामा होता है वकीलों के, तो लड़की से पूछा भी जाता है, लड़की साइन भी करती है, उसके बाद फिर मौलाना साहब खुतबा पढ़ाते हैं, इजाब कबूल करते हैं। अगर सूरत है ये तो फिर निकाह तो हो गया है, इसलिए कि आपने हाँ तो की है, अगर हाँ न करती तो आप हाँ तो निकाह कैसे होता? निकाह तो हो गया लेकिन आप कल्बी तौर पर खुश नहीं थी इस निकाह से, ये एक अलग बात है। तो जैसे आपने माँ बाप की उस वक्त इज्जत रख ली थी, अब भी रख लीजिए, इसलिए कुरान करीम में फरमाया गया कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो लेकिन अल्लाह के यहाँ वो चीज़ पसंदीदा हो, और हो सकता है जिस चीज़ को नापसंद करती हो। जिन्होंने ये हमारे उलमा कराम से सवाल किया है उनको तफसीली तौर पर ये जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगी कि कोशिश कीजिए कि घर बसा रहे आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने खातून को ये हक दिया है कि वो राजी हो तो निकाह करे, राजी न हो तो न करे, ये हक उसका है, कोई उससे ये हक छीन नहीं सकता। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर खातून ने इशारों में किनायों में या वजाहत के साथ एतराफ़ कर लिया कि हाँ मुझे ये शादी मंजूर है, तो उसके बाद अब वो बीवी है, अब वो छुटकारा नहीं पा सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। सवाल हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ। सवाल दीजिए अनवर भाई, यूनुस साहब जवाब देंगे आपको। जी सर, मेरा पूरी टीम को और उलमा इकराम को और आप बहन भाई को और अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, हमने कुछ बेवा औरत और चार बच्चे अपने यतीम साथ रखे हुए हैं, क्या वो ज़कात ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि हम उनको खाना पीना कपड़े रिहाइश सारा कुछ दिया हुआ है। आपने अपने साथ, इन्होंने अपने साथ जो है वो एक बेवा औरत खातून को और उनके चार बच्चों को रखा हुआ है, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या मैं उन्हें ज़कात भी दे सकता हूँ? उनकी कफालत तो ये कर ही रहे हैं, क्या ज़कात भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते। चलें जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो अभी मौजू चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो बचपन में तो बड़े ही बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बड़े बड़े होते होते जो है वो मुझ जैसे क्यों बन जाते हैं? मैं तो इसे आसान कर दूं आपके लिए, क्योंकि दीन से भी इतनी दूरी इख्तियार कर लेते हैं, फिर माँ बाप के भी नाफरमान हो जाते हैं, घर के हुकूक पूरे नहीं कर पाते, माशरे की बर्बादी का बाइस बनते हैं, ये ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि बच्चा तो जो भी पैदा हो रहा है, पैदाइशी तो मुसलमान ही है वो, चाहे किसी भी घर में पैदा हो रहा है, फिर बड़े होते होते मुसलमान के घर में ही पैदा होते थे। कुछ एक मेरे दोस्त थे, वो नॉन मुस्लिम थे फिर मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहते थे कि मैं मुस्लिम बाय चॉइस, मैं मुस्लिम बाय चांस हूँ, और वो जो मुसलमान हुए वो मुस्लिम बाय चॉइस हैं। तो बड़ी खूबसूरत मुझे उनकी ये बात लगती थी कि हमें तो विरासत में ये चीज़ मिल गई है,
तो इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, एक बार नहीं पूरी ज़िंदगी अगर हम शुक्र अदा करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए और मुसलमान ही हैं अजमाइन। बाद देखो जब बच्चा होता है वो कुछ खाता जो माँ बाप खिलाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं खाता। जब बड़ा हो जाता है फिर अपनी मर्जी से खाता है। लेकिन एक चीज़ जो कौम को ताकतवर और सरबुलंद करती है वो है उसकी अकदार, वो उसकी तहजीब, वो उसके 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 मबादी, जे उसूल जिस पर उस कौम की तहजीब कायम है। एक कौम को ताकतवर उसकी बिल्डिंगें नहीं बनाती, उसका अच्छा लिबास नहीं बनाता, उसके कारखाने नहीं बनाते, उसकी उसकी ज़िंदगी के वो उसूल बनाते जिस पर उनकी ज़िंदगी कायम है। बहुत खूब। अगर हमारे अंदर ये उसूल पुख्ता और रासिख है तो हमने अपनी औलाद के जहनों में चीज़ें बैठा दी पुख्ती के साथ, और जब बच्चा जवान होगा वो चीज़ें लेकर साथ फिर। देखो बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर ख्वाहिशात तो होती हैं लेकिन वो ख्वाहिशें उभरती नहीं है। उभरती कब? जब वो बालिग हो जाता है। उसके अंदर सिनफी ख्वाहिशात है लेकिन नहीं उभरती, और उसे जब जवान होता है वो चीज़ें सामने आती हैं। तो तब्दीली आती है अगर हमने बचपन ही से अपने बच्चों को इस्लाम की सही तरबियत दी और उसके उनको अल्लाह पहचवाया और उनको ये बताया कि बेटा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह तुम दुनिया कमाने की सोचते हो इसी तरह दीन के लिए सोचो। अगर बचपन ही से हम उनके दिलों में दीन की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, हमारे यहाँ कहा करते हैं हमारे उलमा सल्लम औलाद को हुब नबी, बचपन ही से अपनी औलाद को नबी अकरम से मोहब्बत करना सिखाओ। वो मोहब्बत करना कैसे सिखाओ? ताकि उनको अल्लाह के रसूल की सुन्नत बताओ, अल्लाह के रसूल की सीरत बताओ, सहाबा की सीरत बताओ, उनको इस्लामी तारीख बताओ सर। लेकिन हमारे यहाँ तो होता ये है कि हम बचपन ही हमें हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा फर अंग्रेज़ी बोले, समझे मेरा बच्चा ये बोले, लेकिन कोई नहीं चाहता है मेरा बच्चा जो है कुरान पढ़े, उस कुरान की सूरतें आए, उसको दीन पढ़े, समझे ना। हमारी सारी ख्वाहिश ये होती है मेरे हम अपने बच्चों को वो जो हमारे जो हमारे ये अंग्रेज़ी या इस्तेमार लोग जिन्होंने आखिर में मुस्तमर किया है, आखिर में कॉलोनाइज किया है, उनकी उनकी हम फिर उनकी तहजीब उनकी तमद्दुन पर बच्चों को उभारते। और इसलिए इब्ने खुलदून रहमतुल्लाह ने एक तारीख लिखी, उस तारीख से पहले एक मुकदमा लिखा उन्होंने, मुकदमा जो तारीख से ज़्यादा मशहूर हुआ, उसमें एक बाब है अल मखलूब मूल उन बे तकलीद गालिब, जो शख्स मगलूब होता है वो जो गालिब होता है उसकी तकलीद करने में बहुत रगबत रखता है। वो कहता मैं जो वो करता है वो मैं करूँ, जो इसमें वो तरीब वो मैं, जैसे हमारे यहाँ आज है। अब मैं तो चाहता हूँ हमारा तशख्स ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी कौमी जबान को अपने दफ्तरों में नहीं घुसने देता। बिल्कुल। समझे ना, हम अपनी कौमी जबान को निकालते हैं और उर्दू बोलने में हम अपनी तौकीर शर्म महसूस करते हैं, बड़े फख्र से बोलते आकर ये मुझे तो हमारा बच्चा जो है वो कलमाए तैयबा तो बाद में सुनाएगा, पहले ट्विंकल ट्विंकल बोल लिया। और यूनुस साहब हमारा एक माशरती इकदार हो भी ऐसा गया है कि आपके सामने उसके अंदर इल्म जितना भी हो या ना हो, लेकिन अगर कोई आपके सामने आकर अंग्रेजी के दो वर्ड्स कहता है ना तो आप उससे बड़ा इंस्पायर होते हैं। लेकिन अगर वही जबान की खूबसूरती के साथ, तलफ्फुज़ की अदायगी के साथ, बहुत खूबसूरत लफ्जों के साथ अगर कोई उर्दू में खूबसूरती के साथ आपसे बात कर रहा है तो आपको वो शख्स इतना इंस्पायर नहीं करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सैयदा नूर फातिमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सैयदा नूर फातिमा, रमज़ान की मुबारकबाद आपको। वली खान साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, सवाल कीजिए। आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है थोड़ी सी, टीवी क्या आवाज़ इन्होंने, हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और जरा दूर होकर बात कीजिएगा। नूर फातिमा बात कर रही हूँ अटक से। जी फरमाइए, जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मेरा सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन कोई सवाल आपका? वैसे मुझे मेरा ये सवाल ये था, इधर मौलाना बैठे उनसे कि औलाद के जो है वो फराइज बता दें।
औलाद के फराइज। चलें ठीक है जी, आप मेरे ख्याल में सवाल यहाँ कर रही हैं और सुन जो है वो टीवी पे जाकर रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा इनका आवाज समझ नहीं आया। सवाल ये औलाद के फराइज माँ बाप की तरफ से पूछ रही हैं या औलाद के फराइज माँ बाप के लिए पूछ रही हैं? बहरहाल मौलाना साहब औलाद दोनों को ही कर दीजिएगा। वैसे औलाद के फराइज जो है ना भी हैं वालिदैन पर और वालिदैन के क्लियर नहीं हो पाए दोनों तरफ से क्या चाह रहे हैं। ये मेरा ख्याल से ये पूछना चाह रही है कि और औलाद के क्या फराइज़ हैं, बिल्कुल ये जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो मेरा ख्याल से माँ बाप बूढ़े हो गए, अगर माँ बाप को आपकी ज़रूरत नहीं है तब तो खैर वो तो कोई मसला ही नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो वालिदैन का नान नफका सुकना यानी खाना पीना रिहाइश और उनकी हर किस्म की ये चीज़ें हैं जो मिन वुजदिकुम जो हुक्म है ना उलमा बैठे हुए हैं कुरान करीम में, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो आपके पास रहने वाले हैं उनको या आपके खादिम हैं आपके माँ बाप हैं जो भी है अल्लाह पाक ने फरमाया उनको खिलाओ जो ख़ुद खाते हो, उनको पिलाओ जो ख़ुद पीते हो, उनको पहनाओ वो जो ख़ुद पहनते हो, और फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया मिन वुजदिकुम यानी आपके जितनी ताकत है तो अपनी ताकत के और अपनी इस्तेआत के मुताबिक माँ बाप की खिदमत करना लाजमी है, और अगर नहीं की गई तो वो नाफरमानों में हो जाएगा। रमज़ान मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और वालिदैन, इन तीनों को उस हदीस में एग्जैक्ट किया गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पे चढ़ रहे थे और आपने फरमाया आमीन तीनों सीढ़ियों पर, तीनों सीढ़ियों पर फिर तीन आमीन मुकम्मल कीजिए उसे मुकम्मल। तो जब आमीन 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 तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आज तो आपने बिल्कुल एक नए अंदाज में सिर्फ आमीन 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 दुआ तो हुई दुआ नहीं, तो हुई नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ नहीं बद्दुआ की है, जिब्रील बद्दुआ करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन कहे मोहर तो, फिर तो मोहर लग कुछ बचा ही सवाल शक गुंजाइश ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा क्या बद्दुआ है? कहा यह है कि अगर कहीं किसी पर रमज़ान आ जाए और वो उस रमज़ान मुबारक के महीने में इतनी इबादत और इतनी जो है ना रियाजत ना कर सके कि वो अपने आप को बख्शवा सके, क्योंकि अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फिरा व आखिरुहु इत्कु रग़बतन मिनन नार, के रमज़ान के पहला आशरा रहमत, दूसरा आशरा जो कल से शुरू हो रहा है वो मग़फिरत, और तीसरा जो हो तो गर्दन की आज़ादी है। ये नहीं करवा सका तो इसके लिए हलाकत हो। वैलुन के अल्फाज हैं और बाउदा के अल्फाज भी हैं और आमीन, और पैगम्बर ने फरमाया आमीन आमीन। दूसरी बात ये कि आपका तस्किरा हो और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में बुखल करे तो उसके लिए हलाकत हो। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सब पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो हमारे साथ बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खात्मा ही अल्लाह करेगा इसी पर। तो इस पर जो है हलाक हो वो। हकीकत भी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो वजह कायनात हैं उनका तज़किरा हो जाए और आप जो है ना खुश ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहें तो आप फिर क्या है? तो आपको हलाकी हुई नासी हुआ। और तीसरी बात यह कि वालिदैन पाएं बुढ़ापे में, देखें हमेशा वालिदैन की दुआएँ काम नहीं आती। ये नहीं कि अब फहीम खान जो है ना अभी इनके बच्चे इनकी खिदमत कर, भाई अब तो वो खुद ही जवान है, या किरण नाज तो अभी खुद ही जवान है, बूढ़े हो गए कि उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया, दोनों में से एक को पाया या दोनों में से किसी एक को पाया, सही सही। वो खिदमत के मोहताज थे, ये अपने जोबन में था, जवानी के जोबन में या माल के जोबन में या औलाद के जोबन किसी भी हवाले से, और अब उन्होंने उनका जो है ना वो नहीं किया, उनकी खिदमत ना कर सका और उस खिदमत से वो अपने मग़फ़िरत नहीं करवा सका। तो पैगम्बर ने फरमाया कि इसके लिए जिब्रील ने कहा कि इसके हलाकत हो और पैगम्बर ने क्या फरमाया आमीन। तो अंदाजा लगाएं ये अहमियत का अंदाजा हो गया। एक कॉलर और हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब, फिर आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें कॉलर ले लेते हैं पहले। हजरतुल्लाह कराची से हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम, मैं हजरतुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 फरमाइए। एक तो तमाम अलैकुम को सलाम पेश करता हूँ, दूसरा टॉपिक आज आपका बहुत बेहतर है, बहुत शुक्रिया। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि हम एक हमारा मुआशरा है, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जनाब सबसे पहले इनको दुनियावी तालीम हासिल करने के ऊपर, तीन साल का हो गया चलें जी प्राइवेट स्कूल में इनको दाखिल करा दिया जाए। तो मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये दुनियावी तालीम और दीनी तालीम हम अगर देना चाहते हैं तो कौन सी उम्र में हम उनको दुनियावी और
دینی تعلیم، سب سے پہلے دنیاوی تعلیم کے پاس سائٹ پہ لے جائیں یا ان کو دینی تعلیم دے. صحیح مفتی صاحب، آپ سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، مختصر سا جواب. مجھے آپ سوال سمجھ گئے ان کا؟ اچھا جی، سوال ان کا یہ ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو ہم اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، تو کیا ہم پہلے 3 سال کے بچے کو دینی تعلیم میں اس کا داخلہ کروائیں، مدرسے میں داخلہ کروائیں یا سپارہ پڑھوائیں، یہ سب کروائیں؟ اور اگر یہ نہیں تو کون سی عمر میں جا کے اس کی دینی تعلیم جو ہے وہ شروع کروائی جائے؟ جی، اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ بچے کی آپ نے ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ مستقبل کا بہترین انسان بنے. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 سال کے بچے کو مدرسے میں ہی داخل کیا جائے، اسکول نہ داخل کیا جائے، اسکول بھی داخل کرائیں. ہونا یہ چاہیے کہ ماں باپ وقتاً فوقتاً اس کی اچھی تربیت کرے. مثال کے طور پر جب وہ بولنے پہ آئے تو بولو بیٹے اللہ، بولو اللہ، اور جب مکمل بات کرنے پر آئے تو اسے کہو بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنائے، قرآن پاک کی تلاوت سنائے، بچہ دین سے مانوس ہو جائے، روحانیت اس کے اندر آ جائے. اور جب وہ کچھ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھے اور پڑھنے کی یاد کرنے کی، تو اسے قرآن پاک کی تعلیم دلائی جائے. آپ کی مرضی ہے تو آپ ناظرہ پڑھائیں، آپ کی مرضی ہے تو آپ اسے حفظ میں ڈال دیں. ہم اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں، اپنے مدارس کے بچوں کو کہا کرتے ہیں، بچوں کو ابتدائی تعلیم چھوٹی موٹی دو، اردو میں انہیں اسلام کی تعلیمات دو، اور اسکول بھی پڑھائیں جی. لیکن جب 5 پڑھ لے اور تعلیم کا ایک اسٹیج مکمل ہو جائے تو پھر آپ اسے حفظ کی طرف لے کر آئیں. اس لیے کہ بالکل اگر وہ کورا ہوگا، اردو انگلش نہیں جانے گا، تو قرآن کریم کے حفظ میں بھی اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی. اگر وہاں سے وہ چل پڑے گا اور اس کی جو یاداشت اور اس کی جو مشینری ہے وہ چل پڑے گی، تو اس کے لیے حفظ قرآن آسان ہو جائے گا. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پر کیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رمجھم رمجھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ، روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.